और अब बात करते हैं रीवा की, जहां घर से दूर खेत में लगे चंदन के पेड़ों पर बदमाशों ने हाथ साफ कर दिया है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस को सूचना दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने तलाश किया तो चंदन के पेड़ के टुकड़े बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस चंदन के पेड़ के काटे गए टुकड़ों को बरामद कर लिया है और बदमाशों की तलाश कर रही है। घटना बिछिया थाना क्षेत्र के कन्नौजा गांव की बताई जाती है। पीड़ित की माने तो उसके घर के पास खेत में 10 से 12 फीट के चंदन के पेड़ लगे थे। उन पेड़ों में से दो बड़े पेड़ों को बदमाश रात में काटने गए। आपको बता दें कि क्षेत्र में चंदन चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बदमाशों के ना पकड़े जाने से इनके हौसले बुलंद हैं। पीड़ित अखिलेश कुमार पांडे की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आपको यह भी बता दें कि अभी हाल ही में रायपुर करचुलियान और मनगवा थाना क्षेत्र से चंदन के पेड़ों की चोरी हो चुकी है, जिनके आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़।